कभी आपने सोचा है कि बिना रंग के क्या जिंदगी होगी? याद कीजिए वो समय जिस समय ब्लैक एंड वाइट का जमाना था, यानी कि आप टीवी भी देखते थे तो ब्लैक एंड वाइट में, उस समय उनमें रंग नहीं होता था तो किस तरह का लगता था। तो सोचिए अगर जिंदगी में रंग नहीं होंगे तो किस तरह से ये जिंदगी लगेगी, किस तरह से ये आपको लोग लगेंगे, क्योंकि अगर रंग हैं तो रंग के महत्व भी हैं। आज होली है और होली की हार्दिक शुभकामनाएं TLR की तरफ से मैं आप सभी को देता हूं। और एक ऐसा त्यौहार हिंदू धर्म का जिसमें रंगों के साथ खेला जाता है, और मान्यता है कि हरि कृष्ण राधा जी के साथ ये त्यौहार मनाते थे, होली मनाते थे और रंग एक दूसरे को लगाया करते थे, और बाकी जितने अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, वो भी आपस में इस होली को मनाते हैं। और ये रंगों का त्यौहार है, अलग अलग रंग हमें देखने को मिलते हैं। हमारे साथ इस समय डोडा के युवा हैं और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट युवा के भारतीय जनता पार्टी से रविंदर जी हमारे साथ हैं, बाकी एडवोकेट हमारे साथ रमन ठाकुर जी हैं। आप हमेशा देखते हैं और हमेशा, लेकिन त्यौहारों को भी बढ़ावा इनकी तरफ से ज़रूर देखने को मिलता है। इस समय रविंदर जी हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे। रविंदर जी, स्वागत करना चाहूँगा और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा होली की, और क्या कुछ कहेंगे हमारी जनता को आज होली के त्यौहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम मीडिया कर्मियों को हैप्पी होली, और आपको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली सर, होली सर, हैप्पी होली। सभी मीडिया कर्मी, मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश भर में ये होली का जो रंगों का त्यौहार है, खुशियों का जो त्यौहार है, ये मनाया जा रहा है। ठीक उसी तरह जिला डोडा में भी सभी लोग यहाँ पे इस रंगों को, त्यौहारों को पूरे धूमधाम से मना रहे हैं, और उसी और सोच को लेके ये जो खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, ये पूरे देश भर में इसको धूमधाम से मनाया जाए। देखिए रविंद्र जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर देखें तो काफ़ी खूबसूरत संस्कृति है हमारी। देखिए रंगों का त्यौहार, आज तक आपने कितनी संस्कृतियाँ देखी होंगी, लेकिन उनमें रंगों का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। एक हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर रंगों का त्यौहार भी है, जिसमें हरि कृष्ण और राधा जी भी जो है वो खेला करते थे, अपने मित्रों के साथ रंग लगाया करते थे, और काफ़ी पुरानी रीति चलते आ रही है। लेकिन अगर रंग जिंदगी में ना हो तो कैसी जिंदगी वो लगती है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी को जो रंगों का त्यौहार नहीं समझते, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर आप हिंदुस्तान की संस्कृति को देखें तो रंगों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। एक आदमी का जीवन तभी खुशहाल माना जाता है जब जीवन के सारे रंग उसकी जिंदगी में हो। तो आप इसी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रंग कितना ज़रूरी है। और आज ये दिन जो आइडेंटिफाई, स्पेशली आज के दिन हम होली मनाते हैं, मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि आज के दिन स्किन को छोड़ें, बालू को छोड़ें, हर चीज़ को छोड़ें और रंग लगाएं और होली मनाएं। होली मनाएं, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हमारे साथ रमन जी हैं, एडवोकेट हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं होली की। सभी को, सभी हिंदू भाइयों को जो है होली की शुभकामनाएं। आज कैसा लग रहा है? हमेशा रहा है, हमेशा कोर्ट में होते हैं, अब आज कोर्ट से बाहर निकल के अपना त्यौहार मना रहे हैं। जो हमारे धार्मिक त्यौहार है, सभी अपने लोग जो हैं वो मिलके मनाते हैं इन त्यौहारों को। तो आज जो है पूरे देश भर में जो है इस होली का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, और हमारे डोडा में भी जो है बड़ी धूमधाम से त्यौहार मनाया जा रहा है। तो किस तरह का उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है? अच्छा है, अच्छा लगता है जी, खुशी मिलती है ऐसे त्यौहारों से, खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी, धन्यवाद। तो आप देखेंगे तस्वीरें यहाँ की डोडा की हैं ये, और होली, होली का त्यौहार मनाया जा रहा है डोडा के अंदर भी पूरे धूमधाम से, और युवा जो यहाँ पे हैं वो खेल रहे हैं, होली का त्यौहार मना रहे हैं। और मैंने आपको कहा जिस तरह से रंग है, तो रंग काफ़ी महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में रंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।